महापौर के सानिध्य में सम्पन्न हुआ यूनियन उत्सव कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश महिलाओं महाविश्वविद्यालय ट्रस्ट द्वारा वित्त एक वर्ष से नारी सशक्तिकरण के उद्देश्य से लोक जागृत कार्यशालाओं के माध्यम से नारी शक्ति के साहित्य संस्कृति और सामाजिक उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था द्वारा संस्था से जुड़े हुए गणमान्य सदस्यों का वित्त कार्य के लिए आभार व्यक्त करने के लिए यूनियन उत्सव का आयोजन राजाजीपुरम टैक्सी स्टैंड के पास सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। संस्थान द्वारा कोरोना काल में मृत आत्माओं की शांति के लिए ऑनलाइन भागवत कथा का 21 दिवसीय आयोजन राष्ट्रपति पदक से सम्मानित पंडित रामलाल त्रिपाठी जी सानिध्य में संपन्न हुआ। कोरोना काल के चुनौतीपूर्ण समय में बच्चों को मनोरंजन के माध्यम से सनातन धर्म से जोड़ने का दुराहा कार्य संस्थान के द्वारा रामचरितमानस पुरुषोत्तरी द्वारा कथावाचक विपिन बिहारी जी महाराज के व्याख्यान व डॉक्टर शालिनी मिश्रा व साधना मिश्रा विद्या जी के द्वारा संपन्न किया गया। नवीन परिवेश नवीन पहल के अंतर्गत बच्चों को अभिरुचियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नृत्य संगीत पेंटिंग संगीत वाचक का कार्यक्रम साहित्य के उत्थान के लिए दैनिक सृजन की कार्यशालाओं का आयोजन पर्यावरण संरक्षण हेतु सघन वृक्षारोपण अभियान द्वारा प्रकृति संरक्षण का सुंदर संदेश अपने आदित्य कार्य के द्वारा संस्थान में सामाजिक उत्थान में किए गए। लखनऊ के महापौर आदरणीय संयुक्ता भाटी जी ने संस्था के लिए कार्य से प्रोत्साहित होते हुए संस्था की संस्थापिका साधना मिश्रा विद्या जी ने हार्दिक साधुवाद देते हुए कहा है, एक बेटी दो कुल नहीं पूरी सृष्टि की संरक्षा की बदल सकती है, बस आवश्यकता है दृढ़ विश्वास और दृढ़ संकल्प की। कार्यक्रम की प्रतिमा पांडे जी ने नेतृत्व में नृत्य, रेखा मिश्रा जी के नेतृत्व लोकगीत व पेंटिंग की श्रृंखला के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय संजय चौधरी जी ने यूनियन चिकित्सक श्रीमती मनोज मिश्रा जी तथा ख्याति प्राप्त दत्त चिकित्सक आदरणीय पल्लवी चौबे जी की उपस्थिति और उत्साहवर्धक के साथ साथ यूनियन उत्सव कार्यक्रम प्रवक्ता के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्षता आदरणीय श्री प्रकाश हरि जी द्वारा नवीन पांडे जी के संरक्षण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की संयोजिका साधना मिश्रा विद्या जी के सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है, गुण अपने कुछ दान कीजिए, जग में ऊंची शान कीजिए, निभा सके जो तुम्हारा मन, बस इतना बलवान काम कीजिए। किसी भी कार्य की सफलता के श्रेय संस्था से जुड़े सभी सदस्यों की अभूतपूर्व प्रयास के संभव होता है। आप सभी के सहयोग के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। आप भी सभी भी अपना साथ और विश्वास संस्था के प्रति सदा ही बनाकर रखें।